नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। कहते हैं जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। जी हां, आज हम आपको यह खबर नहीं बल्कि एक ऐसी मार्मिक कहानी बताने जा रहे हैं जो सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील से महज 10 किलोमीटर दूर है। हलावन गांव, यहां के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं, वैद्य थे और उनके परिवार के 6 लोगों की मौत की वो कहानी, वो दर्दनाक दिन और वो रातें की यादें जिनमें वो हमेशा खोए रहते हैं, उनके आंखों में आंसू रहते हैं, वो किस प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित परेशान हैं, ये उनकी संवेदना, उनकी वेदना को कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं जान सकता। शायद प्रशासनिक अधिकारी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशासनिक और राजनीतिक संवेदनाएँ किस हद तक शून्य हो सकती हैं, इसका आकलन उनके दर्द से हम समझ सकते हैं। चित्रकूट जा रहे थे और गाड़ी वहाँ धार कुंडी में गिर गई, तो तब से हम लोग बड़े दुखी हैं और उस दुख के दूर करने के लिए सरकार की सहायता राशि के लिए लगातार उसमें जुटे हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, कहीं के पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा। हमारा निवेदन है कि जो अगर कुछ सहायता राशि मिल जाए तो हम संभल जाते, क्योंकि मैं बुढ़ा बहुत हूँ। आए वो लड़का जो उसमें साथ में था राकेश, उसका भी पैर टूट गया है, तो वो भी लंगड़ा है, और मेरे यहाँ से 6 आदमी को नुकसान हुआ। तो मेरी बहू गई, घर वाली गई, एक नातिन गई, एक पंतिन गई, एक दमान थे तो वो गए, एक साला था, ये सब लोग गिर के वहाँ ख़त्म हो गए। तो उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश के 2 आदमी थे, उन लोगों को राशि वहाँ 13 दिन के अंदर ही मिल गई। हमारी आज तक नहीं मिल पाई था, लगातार हम उसमें रत हैं। चित्रकूट जा रहा था नाती का मुड़न कराने के लिए, फिर धारकुंडी में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ हम लोग पड़े थे, फिर इसके बाद में हो गया अपना दवा दारू जो हुआ, आज तक उसकी कोई मेरे को सहायता राशि नहीं मिली। एडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एडीएम साहब को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, भारी प्रयोजन लगा, कुछ आज तक उसका। कितने लोग ख़त्म हुए थे उसका? 6 लोग ख़त्म हुए थे। हाँ, मेरी माता रहा, मिसेज, नातिन, लड़की और मामा जी और जीजा जी, उत्तर प्रदेश में वहाँ चुकी, उन लोगों को मिल चुका है। अच्छा, क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चलो ठीक है, देखता मैं सोच यही चल रहा है, बाकी कुछ उनका। कितने साल हो गए लगभग घटना का? 2015 की घटना है, 6 जून की। 2015 6 जून। आप भी घायल थे इस घटना में? हाँ, मैं भी घायल था, मेरा एक हिस्सा पूरा टूटा है। अच्छा, नाती का मतलब उसकी खपड़ी में लगी है। आपको बता दें कि हलावन गाँव के राम सुशील चतुर्वेदी का परिवार जो 6 जून 2015 को चित्रकूट जा रहा था, उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। इनका परिवार हलावन गांव से ट्रैक्टर टाली से चित्रकूट दर्शन करने और अपने पोते के मुंडन के लिए जा रहे थे, तभी महज हलावन से 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद धारकुंडी के पास अचानक ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ट्रैक्टर टाली गहरी खाई में गिर जाने के कारण 6 लोगों की मौत के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें राम सुशील चतुर्वेदी की पत्नी उमा चतुर्वेदी, बहू चंदवती, पोती सुमन, नातिन प्रिया, साले मोला द्विवेदी, दामाद चुनवाद प्रसाद द्विवेदी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, तो साथ ही उनके एक पुत्र, नाती और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल होकर आज भी विकलांग हो चुके हैं। राम सुशील का कहना है कि यह घटना के बाद कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी घर आकर खूब आश्वासन दिए, खूब घड़ियाली आंसू बहाए, पर आज तक उस सहायता राशि को नहीं दिला पाए। हालांकि चुनाव आने वाला है, नेता फिर से जाएंगे वोट मांगने के लिए, पर आज भी उनके पास कोई जाने वाला नहीं है कि उनकी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक रखे, और उन्हें 8 साल हो गए मरे हुए, तो कम से कम उनकी क्षतिपूर्ति या कि उन्हें कुछ सहायता राशि भी दिला दे। राम सुशील चतुर्वेदी कहते हैं कि नेता आते थे, अधिकारियों को पत्र भी लिखते थे, पर आज तक किसी ने नहीं सुना।
वह सहायता राशि के लिए लगातार 8 साल से मुख्यमंत्री, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, सांसद, विधायक सहित समस्त नेताओं को पत्र लिखे, व्यक्तिगत भी मिले, पर आज तक न तो सहायता राशि मिली और न ही उनकी कोई वेदना सुना। राम सुशील का कहना है कि अगर कुछ नहीं मिलना था तो फिर इतने बड़े वादे क्यों किए गए, हर जगह आवेदन क्यों कराया गया। उनका कहना है कि आज भी SDM कार्यालय में फाइल रद्दी के कागजों की तरह सड़ रही है, पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमेशा जब भी मिला जाता है तो यही कह दिया जाता है उनकी ओर से कि जल्द ही कुछ न कुछ मिल जाएगा। हम देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अरे साहब, 8 साल हो गए, अभी तक रास्ता नहीं निकला, आप अभी तक मदद नहीं किए, क्यों? आखिर किसके कारण वो फाइल बची हुई है, किसके कारण वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरिशंकर परसाई के उस व्यंग की तरह कहानी हो जिसमें एक क्षेत्र का गरीब किसान अपनी फाइल में बजट नहीं रखता और जब वह बाबू के पास जाता है कि मेरी फाइल कहाँ गई, तो बाबू के द्वारा यह पूछा जाता है कि उसमें वजन रखा था कि नहीं, अगर वजन नहीं रखे थे तो फिर वो फाइल उड़ गई। राम सुशील चतुर्वेदी कहते हैं कि यूपी के भी, उत्तर प्रदेश के 2 लोग उसमें घटना में सम्मिलित थे, जिनकी मौत हुई थी, जिनको 13 दिन के अंदर सहायता राशि मिल गई थी, पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक सहायता राशि तो दूर मिलने तक की, ठीक से बात करने तक की हिमाकत नहीं की। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उन प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और राम सुशील चतुर्वेदी को न्याय मिल सके। धन्यवाद।